चलिए आगे बढ़ते हैं। इंदौर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे की कार्यकारिणी चर्चा में है। कार्यकारिणी में शामिल किए गए नेताओं पर अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश उपाध्यक्ष ने ही पार्टी विरोधी काम करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रदेश बीजेपी संगठन ने अल्पसंख्यक मोर्चा जिलाध्यक्ष को नोटिस देकर जवाब मांगा है। बता दें कि मोर्चा अध्यक्ष शेख असलम ने मोर्चे की कार्यकारिणी में 6 उपाध्यक्ष बनाए हैं और इनमें से 3 पर पहले भी कई आरोप लग चुके हैं। वहीं शेख असलम इन आरोपियों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। उल्टा उन्होंने प्रदेश उपाध्यक्ष पर ही आरोप लगा दिए। अभी जो नई कार्यकारिणी बनी है उसको लेकर के अल्पसंख्यक मोर्चे में ऐसे लोगों को लिया जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं और ऐसे लोग हैं जो CNRC के अंदर पार्टी के खिलाफ लगातार आज दिनांक तक जब तक वो बने तब तक पार्टी के खिलाफ सोशल मीडिया पे डालते रहे हैं, हमारे नेताओं को बुरा भला बोलते रहे हैं। ना हमारी भारतीय जनता पार्टी के वो प्राथमिक सदस्य, ना हमारी विचारधारा उनसे मिलती है। जिन लोगों को उन्होंने लिया है ऐसे लोगों को नहीं लेना चाहिए। हमने ये अपनी बात संगठन में पहुंचा दी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई नोटिस नहीं आया मेरे पास। मेरी जो पदाधिकारी जो है, जितने भी मैंने बनाए, हम लोगों ने बनाया है, संगठन ने बनाया है, वो बेदाग है। उनमें कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो आरोप लगाए जा रहे हैं, बल्कि मैं समझता हूँ कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो सब जानते हैं। वहीं इस पूरे मामले में बीजेपी नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे किसी भी शिकायत नोटिस की बात से इनकार करते नजर आ रहे हैं। तथ्य मंगवाए हैं, जिन लोगों ने भी आरोप लगाए हैं उनसे भी बात करेंगे। अभी आरोप जो हैं वो पेपर पे ज्यादा लग रहे हैं। मेरे पास अभी तक कोई भी व्यक्तिगत तौर पे आके किसी ने तथ्यात्मक आरोप नहीं लगाया, पार्टी फोरम पे आके आरोप नहीं लगाया। तो एक बार जैसे ही सब लोग आते हैं बैठ के हम लोग चर्चा।